press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। बता दें कि खिलाड़ी अक्षय कुमार साल 2019 अपने नाम करने के बाद अब साल 2020 में भी धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। 2019 में मिशन मंगलवार केसरी की कामयाबी के साथ बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने वाले अक्षय कुमार ने साल 2020 को भी अपने नाम करने का लगभग ऐलान कर दिया है। इसकी बड़ी वजह है 2020 में आने वाली अक्षय कुमार की फिल्में और उनकी रिलीज डेट। बता दें कि अक्षय कुमार की तीन बड़ी फिल्में साल 2020 में देश के तीन बड़े फेस्टिवल ईद, दिवाली और क्रिसमस के मौके पर आ रही हैं। इन फिल्मों के नाम हैं लक्ष्मी बॉम्ब, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज। अक्षय कुमार ने सबसे पहले लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म की घोषणा करते हुए रिलीज की तारीख 22 मई बताई थी। ईद के मौके पर ये फिल्म रिलीज हो रही है। इसके बाद अक्षय ने बच्चन पांडे का लुक शेयर करते हुए बताया कि फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। बता दें कि इन दोनों फिल्मों के बाद अक्षय कुमार ने फिल्म पृथ्वीराज की घोषणा अपने जन्मदिन के मौके पर करते हुए साल 2020 की दिवाली भी अपने नाम बुक कर ली है। अक्षय कुमार की ये तीनों फिल्में तीन अलग विषय पर हैं। जानें फिल्मों के बारे में। बता दें कि तमिल फिल्म का नचना की रीमेक है। इस फिल्म में अक्षय के साथ लीड रोल में कियारा आडवाणी होंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार ट्रांसजेंडर भूत के रूप में दिखाई देंगे। फिल्म को राघव लॉरेंस डायरेक्टर कर रहे हैं। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को तुषार कपूर और शबीना खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी हाउसफुल डार के डायरेक्टर फरहाद समजी ने लिखी है। बता दें कि दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज रिलीज हो रही है। इस फिल्म के बारे में अक्षय कुमार ने 9 सितंबर को घोषणा की। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। अक्षय इसके पहले फिल्म केसरी में काम कर चुके हैं। पृथ्वीराज अक्षय कुमार की बिग बजट फिल्म होगी। इसका निर्देशन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं। बता दें कि 2020 में अक्षय कुमार की फिल्मों की रिलीज हॉलीडे के दौरान की हैं। इन तारीखों पर बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सुपरस्टार भी अपनी फिल्में लेकर आ रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है। ईद सलमान खान के नाम हमेशा ही बुक रही है। ऐसे में ये तय है कि ईद पर भी अक्षय का सलमान खान से क्लैश होगा। बता दें कि बॉक्स ऑफिस क्लैश पर अक्षय कुमार पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास साल में 52 शुक्रवार होते हैं। हमारी तकरीबन 200 हिंदी फिल्में साल में रिलीज होती हैं और 40 हॉलीवुड। ऐसे में अगर एक हफ्ते में दो बड़ी फिल्में रिलीज करते हैं तो अच्छी बात है। अक्षय कुमार को बॉक्स ऑफिस का खिलाड़ी कहा जाता है। आने वाले साल में भले ही अक्षय कुमार ने तीन बड़े फेस्टिवल हॉलीडे अपने नाम किए हैं, दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है वे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपके लिए खास होगा।